महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हुई मीटिंग ने महाराष्ट्र में सब कुछ बदल कर रख दिया है। आपको बता दूं कि जहां पिछले काफ़ी टाइम से शिवसेना की जो पार्टी है, उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, उसको धमकियां मिल रही थी कि आप जो है हमारे अनुसार चलिए, जो हम बोलते हैं आप उस बात को मानिए, नहीं तो हम जो है अपना समर्थन वापस ले लेंगे और आपकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। कांग्रेस और एनसीपी जैसी बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं अपनी तरफ से अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट दे रहे थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से सारा का सारा मामला चेंज हो गया है। अब तो ये हो गया है कि उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, उनके जो नेता हैं, जो उनका मुख्य पत्रिका जैसे अलग अलग न्यूज़ चैनल हैं, वो सारे के सारे जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं कांग्रेस और एनसीपी के बारे में, लेकिन उसके बावजूद इनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि ये जो है पलट के उनके उस स्टेटमेंट का कम से कम जवाब दे दें। आपको कुछ दिन पहले सुना ही होगा जब उद्धव ठाकरे ने जूते का यूज किया था कि जूते से मारेंगे अगर दूसरे पार्टी को, अगर अकेले इलेक्शन लड़ने की बात करेंगे। फिर उसके बाद नाना पटोले की तरफ से कोई रिप्लाई आज तक कांग्रेस के द्वारा नहीं आया, लेकिन इन्हीं सब बीच में एक और बड़ी अपडेट आई और उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना की जो मेन मुख्य लेख पत्रिका है सामना, उसमें एक और आर्टिकल छापा गया है जो कि आज का आर्टिकल है। इस आर्टिकल में सीधा सीधा शिवसेना के द्वारा कांग्रेस के ऊपर हमला किया गया है, कांग्रेस के राहुल गांधी के ऊपर, जहां पर इस लेख में सीधे सीधे लिखा गया है, सामना में सीधा सीधा लिखा गया है कि जो राहुल गांधी हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्विटर गेम खेलते हैं, वो कुछ भी उनको नहीं आता, मतलब वो पब्लिक के सामने या प्रधानमंत्री मोदी के सामने जाकर खुद जो है अपना जो रियल है उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ते, वो सिर्फ और सिर्फ ट्विटर गेम खेलना चाहते हैं और कुछ भी, चाहे वो न्याय हो चाहे जो भी हो, सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पे न्याय लेना चाहते हैं और ट्विटर पे ही न्याय देना चाहते हैं। लेकिन जब बात की जाए कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलो और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कुछ भी आप मीडिया के सामने जाके बोलो, तो वो जो है राहुल गांधी को नहीं आता, ना ही राहुल गांधी के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो जो है प्रधानमंत्री मोदी से जाके आंख से आंख मिला सकें। सीधा सीधा प्रधान जो राहुल गांधी हैं उनके ऊपर हमला बोला गया है, वो भी शिवसेना के द्वारा, ये जो है सामना में लिखा गया है। आपको बता दूं ये आखिरकार लिखा क्यों गया है, पिछले काफ़ी टाइम से आप सुन रहे होंगे कि शरद पवार जो है दिल्ली पहुंचे हैं और लगातार वो मीटिंग कर रहे हैं, जिस मीटिंग को शिवसेना के इस सामना में लिखा गया है, उस मीटिंग के बारे में भी लिखा गया, जहां पर उन्होंने बोला है कि ये सिर्फ और टाइम पास के लिए और चाय कॉफ़ी वाली मीटिंग है, इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है, इस हाई प्रोफाइल मीटिंग में शिवसेना और कांग्रेस का कोई भी नेता शामिल नहीं था। आपको एक बात और बता दूं कि इसके अलावा भी इसमें एक और बात लिखी गई, जहां पर बोला गया है कि जो राहुल गांधी की जो पार्टी है कांग्रेस, उनको राहुल गांधी को अपना ट्विटर छोड़ के पब्लिक के बीच में आना चाहिए और साथ में ही जो उनकी पार्टी है उनको कम से कम पार्टी के विधायकों को अपने घर पे चाय कॉफी के लिए बुलाना चाहिए, जिससे कि उनकी जो पार्टी एकदम मरणोसन्न मतलब कि पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, उस पार्टी में अगर कम से कम चाय कॉफी के लिए बुलाएंगे तो थोड़ा बहुत उस पार्टी के अंदर जान आ जाएगी। तो वो जो है अपना ट्विटर अकाउंट छोड़कर अभी पब्लिक के बीच में आए, रूबरू हों आम जनता से और साथ में ही आम जनता के साथ साथ में वो अपने विधायकों के साथ में भी लगातार कॉन्टैक्ट में रहें, तो हो सकता है कि उनकी जो पार्टी अभी पूरी तरह से ख़त्म हो रही है वो बच जाए। ऐसा सीधा सीधा अटैक किया गया है वो भी राहुल गांधी के ऊपर। अब देखते हैं इनकी तरफ से कोई रिप्लाई आता है या नहीं आता। जैसा कि आप देख रहे हैं पिछले काफी टाइम से ये लोग कोई भी इनके अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही है कि ये जो है शिवसेना का कोई भी रिप्लाई दे पाए, तो मुझे नहीं लगता कि इनकी तरफ से कोई रिप्लाई आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं से एक सेंट्रल लेवल की पार्टी होने के बावजूद भी, इतना ज़्यादा महाराष्ट्र में बेइज्जती होने के बावजूद भी अपना समर्थन वापस नहीं ले रही है, तो कुछ ना कुछ बहुत ही बड़ी इनकी मजबूरी हो सकती है। आपका क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।